हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं NCISM ऑफिशियल की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ की गई है दोस्तों। इस नोटिस का नेक्स्ट एग्जाम और BAMS कोर्सेज BUMS कोर्सेज पे क्या असर पड़ने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोटिस है NCISM ऑफिशियल की तरफ से 26/6/2024 को रिलीज़ किया गया। इसमें जो न्यू सेक्रेटरी है NCISM के, जिनको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है सच्चिदानंद प्रसाद। दोस्तों ये जो प्रसाद जी हैं, इनका जो के बारे में मैं आपको बता दूं, 1994 बैच के ये IAS अधिकारी है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहा है। शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को, जैसे अभी नेक्स्ट एग्जाम का जो मैटर चल रहा है, इसमें बच्चे अगर इनसे बात करें और इनसे मदद मांगे तो ये ज़रूर कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से कोऑपरेटिव रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये जो है सेक्रेटरी का इंचार्ज दिया गया है। ठीक है, और इनका जो एड्रेस वगैरह सब बताया गया है, सच्चिदानंद प्रसाद सेक्रेटरी, प्लॉट नंबर T19, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर, ब्लॉक 4, धनवंतरी भवन, जो NCISM ऑफिस की जो बिल्डिंग है वहीं की एड्रेस है ये। तो इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और ये अब जो भी नोटिस आएगी उस पर इन्हीं का साइन होगा। ठीक है, उसके बाद जो पुराने जो सेक्रेटरी थे, आयुष सेक्रेटरी थे राजेश कोटेजा, उनको भी कंटिन्यू कर दिया गया। टर्नओवर उनका ख़त्म हो गया था तो उनको भी कंटिन्यू कर दिया गया है, तो उसका भी फायदा बच्चों को मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा फायदा इनके अपॉइंटमेंट से मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पर्सन है। और नेक्स्ट एग्जाम मैटर्स पे अभी आपको मैं बता दूं कि जो आयुष प्रोटेस्ट वीक बना रहे बच्चे, जो नेक्स्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट वीक है 1 तारीख से 7 तारीख तक, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने को प्रोटेस्ट करना है वो है। उसके बाद ऑफलाइन प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में करना है, उसका डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, 15 से 20 के आसपास, जुलाई के आसपास होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो ऑन द जो अलग अलग जगह से जो प्रताप राव यादव जी है, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव पर्सन है, जो हमारे आयुष मिनिस्टर से, वो काफ़ी कोऑपरेटिव पर्सन से। ठीक है बच्चों, तो जल्दी ही हमारे फेवर में डिसीजन आएगा, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।